please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं वीग्रो के एक फार्म में और ये फार्म मौजूद है गुड़गांव में। ये फार्म बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पे जो खेती होती है, जो यहाँ पे सब्जियाँ उगती हैं, उसमें किसी केमिकल का प्रयोग नहीं होता और इसे जो उगाती हैं वो है ऋचा गाड़िया जी और वो मेरे साथ मौजूद है। स्वागत ऋचा गाड़िया जी आपका हमारे शो में। बताइए अपने बारे में कुछ, अपने आइडिया के बारे में, अपने फार्म के बारे में। मैं बाय प्रोफेशन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आई एम 18 ईयर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। एंड ये स्टार्ट हुआ जब मतलब व्हेन आई टर्न्ड 40, मुझे लगा कि कुछ लाइफ में कुछ करना चाहिए जो कि एक्चुअली सेटिस्फाइंग हो, जिसमें कि मतलब लगे कि हाँ हमने कुछ किया ज़िंदगी में, एंड स्पेशली मदर नेचर को कुछ रिटर्न बैक मिले। प्लस बच्चे मेरे छोटे हैं तो रेगुलरली किसी ना किसी चीज़ में केमिकल की न्यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में आ रही थी। कभी परमल वगैरह को ग्रीन कलर से वॉश कर रहे हैं, कभी मूली नालों में उग रही थी, इंजेक्शंस लग रहे थे घिया वगैरह में। तो उन सब को देख करके मतलब एक डर सा रहता है कि हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं। हम लोगों ने केमिकल्स की सब्जियां दे रहे हैं या अपना अच्छा कुछ दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो बस मैं इधर फार्म्स की तरफ आई वॉज जस्ट लुकिंग अराउंड द फार्म्स, तो मेरे को लगा कि यार थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि मे बी हम लोग भी कुछ ग्रो कर सकें। आपने फिर अपना फार्म खोल लिया। हाँ, तो मैंने पहले उगाना चालू किया, जब अच्छा आउटपुट आने लगा। सबसे पहले आपने क्या उगाया था? सबसे पहले यहाँ पे मूली वगैरह ही ज़्यादा अच्छी उगती हैं। सो सारी विंटर वेजीज से स्टार्ट किया था, मूली, पालक, मेथी, सरसों। एंड मतलब जब ये जाती थी तो इनकी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स वर वेरी हैप्पी टू टेक दीज वेजिटेबल्स। तो मतलब आपने सबसे पहले अपने फार्म में उगाया और अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स थे सब पे चेक करा कि मतलब है कैसा। जब ग्रोथ हो गई तो मैंने कहा इसे रेगुलरली रेगुलर सेल पैटर्न बनना चाहिए, तभी वो फार्मिंग के लिए सस्टेनेबल है। अगर आप ऐसे ही गिफ्ट करने लग जाते हो तो वो लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं करता। तो उसे सस्टेनेबल बनाने के लिए आई अप्रोच्ड एवरीवन। तो जब फ्रेंड्स वगैरह को पता पड़ा, उन्होंने सबने उसे लिया, एक दो बार ट्राई किया, एंड उसके बाद में सब डिमांड्स आती ही गई एंड लोग बाग एक दूसरे से रेफर करते हैं, तो बाय वर्ड ऑफ माउथ इट इज स्प्रेडिंग। ये फैल गया। आइए अपना फार्म दिखाइए। आपने अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को सब्जियां दी, उन्होंने पसंद करी, तो उसके बाद फिर आगे और चीज़ें कैसे बढ़ी, मार्केट तक आप कैसे पहुँचे? मैंने उसके बाद में अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लोगों को बताया कि हम लोग ये ग्रो कर रहे हैं और डेली का रेट्स जाते हैं। तो उसके लिए लोगों के रिस्पॉन्स आने लगे, जो इंटरेस्टेड थे लोग वो उसमें ग्रुप के अंदर ऐड होते गए। अभी भी वो चलता है कि किसी को कोई अपने फ्रेंड्स को और रेफर करता है या। तो अभी जो डिलीवरी हो रही है और जो ऑर्डर आ रहे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही आ रहे हैं? व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही आ रहे हैं। ये इस फार्म में कौन कौन सी सब्जियाँ उगाई हुई हैं आपने? अभी विंटर्स की सारी सब्जियाँ हमारे पास हैं। तो ये मेथी है, पालक है, सरसों है और बीन्स हैं, गाजर है, मूली है, लाल मूली है, आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी। ये सारी सब्जियाँ इस फार्म में होती हैं? सब इस फार्म में होती हैं। और कितना किलो प्रोडक्शन हो जाता होगा? प्रोडक्शन हमारे को जितना रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम लोग मतलब रोज का सब्जियों के दो दो तीन तीन किलो एक एक सब्जी ले पिक करते हैं। वैसे तो काफ़ी है अब, पर डेली का रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्शन आता है। डेली का प्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे इसकी देख रेख कौन करता है, आप ही करती हैं या और भी लोग हैं यहाँ? नहीं, मैं फार्मर्स करते हैं देख रेख। तो मेरे पास यहाँ पे हेल्प है जो कि सारा फार्म संभालते हैं, करते हैं।
मैं तो उन्हें गाइड करती हूँ कि इस तरह से करना है और अपन को दवाइयाँ काम में नहीं आनी है। ये यहाँ पे कौन सा पेड़ है, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। पपीते का पेड़ है, ये पपीते ठंड से बचाने के लिए कपड़े से ढक के रखे हुए हैं। आप यहाँ पे जैसे केमिकल यूज नहीं करती हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं करती है आप, तो उनके सब्स्टिट्यूट आप क्या यूज करती हैं कि उनमें कीड़े ना लगे और जो आपके सब्जियां वो बिल्कुल सही रहें? हम लोग देसी खाद बनाते हैं, तो अपना नीम के पत्तों से खुद ही यहाँ पे खाद बनाते हैं और थोड़ा सा गौमूत्र वगैरह को यूज करके जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि हमारी जमीन जितनी ताकतवर होगी उतना पौधे अच्छे ग्रो करेंगे और उन्हें बीमारियां नहीं लगेंगी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं पर हर एक बच्चा वायरस या फ्लू वगैरह नहीं पकड़ता। जो बच्चे वीक होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, वो बीमार जल्दी पड़ते हैं। सेम वे पौधे भी अगर जमीन तंदुरुस्त होएगी तो पौधे तंदुरुस्त होंगे, तो वो ताकतवर होंगे, उन पर कीड़े कम लगेंगे। इस और हमारे यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम है कि गुड़गांव में ज़मीन खराब है। हमारे यहाँ पे पीएच स्केल 8.5 से 9 है, तो ज़मीन को हम नर्चर कर रहे हैं। कोशिश ये है कि ज़मीन को ताकत दें, जितनी ज़्यादा इसमें कंपोस्ट डालेंगे, ह्यूमस डालेंगे, गौमूत्र वगैरह डालेंगे, उससे ग्रो करेगा और फिर उसके बाद में हमारा जब सॉइल अच्छा होएगा तो जो उसमें वेजिटेबल है वो अच्छी हो जाएगी। आगे और भी कुछ फल वगैरह लगाए हुए हैं आपने, सब्जी? किन्नू के खेत है, टमाटर के पेड़ उस साइड है, भाई लाल लाल दिख रहे हैं हमें, देख ये लाल ऑरेंज वाले किन्नू है, ये टमाटर उधर पीछे है, पीछे की तरफ ब्रोकली है उधर। मैं मुझे आप बताइए कि जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, आपने हमें बताया कि आप इनके सब्स्टिट्यूट पे क्या यूज करते हैं, जो देसी चीजें आप खुद खाद बनाती हैं, तो आपको इसके बारे में पता कैसे चला कि इन सब चीज़ों को इनके जगह पे यूज़ करा जा सकता है? क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग ली या कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? मैंने ट्रेनिंग ली, मैंने ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन का बेसिक कोर्स करा हुआ है एंड आई एम थैंकफुल टू देम। जो लेडीज़ हैं एंड प्लस पूसा के साइंटिस्ट्स ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि मतलब इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। धीरे धीरे उन्हें ट्राई करते करते फिर हम लोग इम्प्रोवाइज करते गए और अपने। मैम ये किस चीज़ की हो रखी है यहाँ पे गार्डनिंग, ये क्या है? ये शलगम के पेड़ हैं, तो इसमें शलगम अभी लगे हुए भी होंगे। हो गए मैम ये पूरे? हाँ, तैयार होंगे। अच्छा, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक शलगम है, सेहत भी अच्छी रहेगी आपकी, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन इसके अंदर कीटाणु और केमिकल नहीं होंगे, इस बात की श्योरिटी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, यस बिल्कुल डेफिनेटली। तो इसमें अब आप क्या, आप उसको फ्लेवर से आपको फर्क पता पड़ जाता है, मतलब जो मेरे कंज्यूमर्स हैं 2 साल से कंटिन्यूसली मेरे से ले रहे हैं एंड मेरे पास में किसी का भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया। अपने फार्म्स के बारे में आप थोड़ा और बताइए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसमें आपको प्रॉफिट भी हो रहा है कुछ? अभी मैं जिस स्केल पे कर रही हूँ उस पर प्रॉफिट बहुत नहीं है, पर ये है कि हम लोग फार्मिंग कर पा रहे हैं अपने बलबूते पे, सेल्फ सस्टेनिंग। हम मेरा जो एम था कि फार्मिंग को सेल्फ सस्टेनिंग बनाया जाए, तो वो हम अचीव कर पा रहे हैं एंड जो एंड और लोग भी पूरा सहयोग देते हैं इसमें। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप फार्मर्स से कैसे जाके बात करते हो, उन्हें कैसे खुद से जोड़ते हो और इसमें फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलता है? जब किसानों को कहते हैं कि हम लोग आपका माल सही रेट पे लेंगे, तो वो हमें सामान देने में इंटरेस्टेड होते हैं। कई अभी कोई भी किसान एकदम से ऑर्गेनिक खेती पे या बिना दवाइयों की खेती पे नहीं आ सकता, उसमें टाइम लगता है, तो धीरे धीरे वो लोग भी रिड्यूस कर रहे हैं समझ करके कि हाँ हमारे खेत का एग्जाम्पल देख करके कि इस खेत पे भी प्रोड्यूस हो रहा है बिना दवाइयों के, तो वो लोग भी अपने यहाँ पे दवाइयाँ कम डालते हैं।
उन्हें लगता है कि हाँ इसमें फिर हमें रेट अच्छे मिलेंगे तो वो लोग भी कोशिश करते हैं। आपने एक इनिशिएटिव लिया और फिर आप उन्हें बताते हैं कि चीज़ें यूज़ हो सकती हैं तो फिर वो भी कर रहे हैं। आप इसे फ्यूचर कहाँ देखते हैं, आप इसे कहाँ ले जाना चाहती हैं VGrow को? अभी तो VGrow एक दो कॉलोनीज में जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक VGrow को पहुँचाना और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इससे जोड़ना जिससे कि हम अच्छा खाने को मिल सके सबको और किसानों की भी इनकम बढ़े। तो लोकल प्रोड्यूस हम लोग जितना यूज़ में लेंगे और जितना सीजनल वेजिटेबल्स हम लोग काम में लेंगे उतना सबके लिए फायदेमंद। इसके लिए क्या आपको कुछ लीगली चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ी थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ सर्टिफिकेशन या कुछ ऐसा? अभी तो कोई लीगल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है क्योंकि बहुत छोटे स्केल पे हम अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ ज़रूरत नहीं है, जब ग्रो करेंगे तब नेचुरली फिर हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म के जैसे रजिस्टर करके और इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अभी तो सिंपल एक सब्जी का रेड़ी है ना, कोई दुकान है ना कुछ। मेरे साथ मौजूद थी रिचा गाड़िया जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और जो हमारी जो सब्जियां हैं वो अब हमारे घर में सब्जियां क्या है, केमिकल्स ही आ रहे हैं। इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि अब हमारे घर सब्जियां ही आएँ, केमिकल ना आए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि सबको अच्छी सेहत मिले और हमारे से बात करने के लिए भी आपका शुक्रिया। थैंक यू, आप लोग आए और हमारे को आपने कवर किया, वी आर रियली थैंकफुल टू यू। मेरे साथ मौजूद थी रिचा गाड़िया जी, जो पहले पेशे से सीए थी लेकिन अब वो एक फार्मर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ताकि जो घरों में केमिकल आ रहे थे सब्जियों की जगह वहाँ पे सब्जियाँ ही आएँ। हम चाहेंगे कि इनका जो इनिशिएटिव है ये आगे बढ़े, और भी बड़ा हो और हमारे घरों तक सब्जियाँ आएँ। रियल्टी मीडिया की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन शुभी गोयल के साथ राकेश सिंह, नमस्कार।